नमस्कार, अगले आधे घंटे तक आप लोग मेरे साथ रहने वाले हैं। इससे पहले शायद ही आपकी मुलाकात मुझ जैसे किसी से हुई हो, लेकिन हम यहां मिल रहे हैं। मैं रक्त और मांस से नहीं बल्कि ईंट और पत्थर से बना। मेरी आवाज और सीढ़ियों में नयापन दिख सकता है, लेकिन सच्चाई है कि मैं यहाँ इस पहाड़ी पर 19वीं शताब्दी से खड़ा हूँ। मेरी जिंदगी केवल मुझ तक ही सिमट नहीं है, बल्कि ये शिमला की भी जिंदगी और दास्तां है। मेरा नाम बैंटनी है, ये ऐतिहासिक महल मैं ही हूं। एक ऐसा भी समय था जब मैं यहां नहीं था। यहां कोई शहर नहीं था, ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, बस एक पहाड़ी और घना जंगल। लेकिन उस पहाड़ी और जंगल में जीवन था, जीवंतता थी, भरपूर जिंदा दिली थी। ये पशु पक्षियों से गुलजार था। 18वीं शताब्दी के अंत में शिमला के पूर्व में नेपाल एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में नेपाल के गोरखों ने आज के हिमाचल प्रदेश के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। इन पहाड़ियों में इन साहसी योद्धाओं ने कुछ स्थानीय शासकों को पराजित किया। महाराज, हम क्या करें? अगर उन पर जरा सी भी आंच आई तो वो हमें मसल कर रख देंगे, इसमें कोई शक नहीं। अंग्रेज भारत में आ गए हैं, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शक्तिशाली है और उनके पास विशाल सेना है। चलिए उनसे सहायता मांगते हैं। उनका मदद करें पटवारे। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स हमें लोगों का सहायता करने के लिए पैसा नहीं देते। हम यहाँ कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कमाना आए हैं, ना कि सुदूर पहाड़ियों में किसी का मदद करने के लिए। कुछ वर्षों तक कंपनी शांत रही, हिमालय की निचली पहाड़ियों में भारी परिवर्तन होते देखती रही। फिर पूरे यूरोप और भारत के अन्य हिस्सों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके चलते ब्रिटिश को इन पहाड़ियों में सेनाएं भेजनी पड़ी। शिमला में जमकर लड़ाइयां हुई और मुठभेड़ हुई, पहाड़ी राजाओं और अंग्रेजों की जीत हुई और सन 1815-16 में गोरखा युद्ध समाप्त। दो वर्षों के भीतर ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को घूमना टटोलना शुरू कर दिया। What a delightful place! नोट का जरा देखो, आपको बर्फ से ढका माउंटेन नजर आता है। चारों तरफ घना जंगल, घास का मैदान एंड क्रिस्टल क्लियर वाटर। सर, क्यों ना हम यहाँ घर बनाए? आपका घर में तब इस बात की तुलना में इन पहाड़ियों से बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। कमाल का आइडिया, हम उस पहाड़ी पर घर बनाएगा। What's that? 1822 में मेरे बनने से कुछ दशक पहले कैप्टन चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने पहला स्थायी घर बनाया, जहां आगे चलकर शिमला शहर बसा। 1831 में कैनेडी हाउस में एक मेहमान का यहां आना हुआ, जिसका नाम था विक्टर जैकपॉट। ये गांव तो राइसो निकामो और रोकियो के लिए एक रिसोर्ट है। मस्यो जैकमॉन्ट, एक बॉटनिस्ट होकर भी आप कितना अच्छा मजाक करते हैं। शुक्रिया कैप्टन केनेडी, मुझे हफ्तों से पानी का स्वाद नहीं मिला है। आपका भरा हुआ सैलड देख के मजा आ गया। कुछ वर्षों के भीतर मेहमान नवाज कैनेडी के यहाँ और भी कई खास मेहमान आए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट का 1828 में आना हुआ और उसके अगले वर्ष ब्रिटिश इंडिया आर्मी के कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉम्बर मेयर यहाँ पधारे। तब तक ये छोटा सा गांव ही था। कॉम्बर मेयर का यहाँ आना शिमला की तब्दील के लिए एक अच्छा संकेत था। यहाँ सबसे पहले इमारतों का निर्माण कार्य उन्होंने ही शुरू किया। एक झील के ऊपर उन्होंने एक वाटर टैंक और पुल बनवाया, जहाँ आज भी उनका नाम लिखा हुआ है।
वर्ष बाद 1830 में पटियाला और कंधाल के शासकों से यहाँ की मुख्य जमीनें ले ली गई जिन पर यह शहर बसा है। ऐसा लगता है ये जमीन मेरे आगमन के लिए ही तैयार की जा रही थी। वर्ष 1831 तक इस जगह पर 60 घर थे। इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है, शुमला, शिमला और शिमला। हो सकता है कि ये नाम पटिया से पाटे गए और छोटे मंदिर शिमला या स्थानीय देवी शमला देवी के नाम पर ही, लेकिन ये चीज इतिहास के पन्नों पर कहीं खो गई है और इस बात को हम निश्चित तौर पर शायद कभी नहीं जान पाएंगे। मुझसे ठीक नीचे उतरने वाली सड़क पर कालीवाड़ी मंदिर, मुख्य प्रतिमा काले रंग के संगमरमर की बनी है जिसके पीछे शिला रूप में दो मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमाएं अपने मूल रूप में जो जाकू पहाड़ी पर स्थित मंदिर की है। कुछ कुछ रोम की तरह शिमला में भी 7-8 पहाड़ियां हैं। पश्चिम में प्रॉस्पेक्ट हिल है जिस पर कामना देवी का मंदिर है। पश्चिम में समर हिल है और पॉटर्स हिल भी है। फिर ऑब्जर्वेटरी हिल है जिसके ऊपर पुराना वाइसरीगल लॉज है। इससे सटे ही इनवरम हिल है जहां स्टेट म्यूजियम है। ये जाकू पहाड़ी है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। और फिर इलीसियम हिल है, इसी का विस्तार है। इस पर ऑकलैंड हाउस स्कूल वाले इमारते हैं और अंत में ये पहाड़ी है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं इसे बेंटनी हिल कहा जाता है। लेकिन शिमला में अलग अलग धर्मों के कई पवित्र स्थान हैं जो एक दूसरे के आसपास ही हैं। क्राइस्ट चर्च शिमला का सबसे पुराना चर्च है और ये रिज पर है। ये आसमान में शहर के हस्ताक्षर जैसा लगता है। यहां से ठीक ऊपर की पहाड़ी पर आज जिस जगह ग्रैंड होटल है, 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के रहने के लिए बेंटिंग कासल बना था। बेंचनी यानी कि मैं जहां हम बैठे हैं थोड़ा नीचे था और इसका नाम भी माननीय के नाम पर ही था। 1880 के दशक में सिरमौर राज्य के राजा शमशेर प्रकाश ने शिमला में कई जमीनें खरीदी। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि सिरमौर शिमला के ठीक पूर्व में स्थित है और यहाँ गोरखों के साथ कई भीषण लड़ाइयां लड़ी गई। फिर उन्हीं जमीनों में से एक कैप्टन गॉर्डन का भी कॉटेज था। राजा शमशेर प्रकाश के सुपुत्र और राज्य के वारिस राजा सुरेंद्र बिक्रम प्रकाश ने अपनी निगरानी में यहाँ एक आलीशान महल बनाया। इसके लिए राजा ने मिस्टर TEG कूपर की सहायता ली और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ शिमला के सुंदर किरदार का मैं भी हिस्सा बन गया। अब मुझे करीब से देखिए, मैं पूरी दरिया दिल्ली के साथ बना हूं। मेरे सामने का हिस्सा वास्तुशिल्प कला का अनूठा नमूना है। मेरी बेल बूटेदार सजावटें और तराशे गए दीवार गिर देखने में एल्प्स की इमारत जैसे लगते हैं। मेरी छत पर बुर्ज बने हुए हैं और बरामदे के ऊपर पकोड़ा है जिसमें सरदोजी का काम किया गया है। मेरी गिनती शिमला की प्रसिद्ध इमारतों में होती है। किसी ने मुझे सिरमौरी ब्रॉक शैली का अद्भुत रूप बताते हुए मेरी और मुझे बनाने वालों की उत्तम प्रशंसा भी की।